देश विच सिविल सेवावां विच सिख अफसरां दी गिनती लगातार घट होण ते चिंतित दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दा वड्डा ऐलान। देश विच पहले अजिहे प्रोजैक्ट तहत सिविल सेवावां विच जाण दे इच्छुक सिख विद्यार्थियों वास्ते गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसिज अकैडमी खोलेगी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी। विद्यार्थी का 85% खर्चा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी चुकेगी सिरसा। देश विच सिविल सेवावां विच सिख अफसरां दी गिनती लगातार घट होण ते चिंतित दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अफसरशाही विच सिखां दी गिनती वधाउण दे इरादे नाल वड्डे प्रोजैक्ट शुरू करन दा ऐलान कीता है। मीडिया नूं इस बारे जानकारी दिंदिआं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुलासा किया कि सिख अफसरां दी गिनती वधाउण दे इरादे नाल योग उम्मीदवारां लई सही अहम प्रोजैक्ट शुरू कर रहे हैं। प्रोजैक्ट तहत गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसिज अकैडमी खोली जा रही है, जिसका उद्घाटन 3 अक्टूबर माता सुंदरी कॉलेज कैंप्स में किया जा रहा है। उन्होंने दसिया कि देश अंदर पहली बार सिख विद्यार्थियों वास्ते अजिहा प्रोजैक्ट शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजैक्ट तहत दिल्ली विच देश दीआं चोटी दीआं कोचिंग संस्थावां तो सिख विद्यार्थियों कोचिंग दवा के हर साल दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग नाल घट तो घट 20 सिख अफसर सिविल सेवाओं में सिलैक्ट होने यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि असं चाहते हैं कि दस्तारधारी सिख अफसर की गिनती वध तो वध होवे। उन्होंने दसिया कि इस स्कीम तहत असं अजिहे सिख विद्यार्थियों का 85% खर्चा चुकांगे ते आर्थिक तौर पर कमजोर सिख विद्यार्थियों लई 100% फंडिंग भी करांगे। उन्होंने कहा कि जिहड़े सिख विद्यार्थी पास कर चुके हैं पेपर, उन्होंने कहा कि जिहड़े सिख विद्यार्थी प्रीलिम्स पास कर चुके हैं जां पेपर देना होवे उस स्कीम तहत लाभ होने के हकदार होणगे। आने वाले समय में प्रतिभावान सिख बच्चों स्कूलों ते कॉलेजों तो चुक के सिविल सर्विसिज की तैयारी शुरू करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के गुरु तेग बहादुर साहब की रहमत है, साढ़े हुण तक के सारे प्रोजैक्ट सफल होए हैं तो यह प्रोजैक्ट भी सफल होगा। उन्होंने दसिया कि गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसिज अकैडमी खोलन का विचार प्रवान चढ़ाने वास्ते सबका IAS श्री NS कलसी, लैफ्ट जनरल गुरमीत सिंह ते सबका IAS गुरदर्शन सिंह का वडवुला सहयोग रहा है। उन्होंने दसिया कि हमेशा सिखी वास्ते मदद लिए अगे आने तैयार रहिंदे हन। श्री विक्रमजीत सानी ने इस प्रोजैक्ट वास्ते 21 लाख रुपए का चैक दे दिता है। कमेटी के जनरल सकत्र श्री हरमीत सिंह कालका ने दसिया कि इस प्रोजैक्ट तहत रजिस्ट्रेशन वास्ते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की वैबसाइट के फार्म डाउनलोड किया जा सकता है या फिर सिविल सर्विस @DSGMC.in के ईमेल में अपने बारे सारा वेरवा भेजा जा सकता है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की टीम अजे सिख विद्यार्थियों अपना राबता कायम करेगी। उन्होंने दसिया कि इस प्रोजैक्ट तो इलावा कमेटी के 3 कॉलेजों के अंदर सिविल सर्विसिज देसी कैटागरी की सर्विसिज जिमें इनकम टैक्स इंस्पैक्टर आदि की कोचिंग लई इस ना हेठ वक्रे 3 कोचिंग सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने दसिया कि इन्होंने सेंटर छेती ही ऑनलाइन सेवावान शुरू हो जाएगियाँ। दिल्ली तो करणजीत सिंह जी की रिपोर्ट। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। पूरे देश के अंदर इस देश नूं सही मेहनत च जो चलाउंदे ने ओह हुंदे ने ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, IFS, IRS, और उही देश दीआं पॉलिसियां दा फैसला करदे आ देश अगे किवें चलेगा। यह सारियां चीजां सर्विसिज दे लोगां दे कोल हुंदियां ने। पिछले कई सालां तों साडे जिहड़े सिख ने उहनां सर्विसिज अंदर बहुत पद्धर ते घटदे गए। एक समा सी जदों पंजाब दे अंदर कोई भी DGP लगदे सी उह सिख हुंदे सी, कोई चीफ सैकटरी लगदे सी उह भी सिख हुंदे सी, अमृतसर दे DC पक्का सिख हुंदे सी। असीं सारयां दा सत्कार करदे हां, कोई ऐ नहीं कि जे कोई गैर सिख आ ते उहदी सर्विसिज अंदर कोई कमी आ, पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी होवे जां सिख संस्थावां होण उह इस गल दी चिंता करदियां ने कि सिक्खी नूं परपक्ख किवें बनाया जावे। और बहुत सारियां अज देश दे अंदर ऐसियां संस्थावां ने जिहड़ियां अपने पर्टिकुलर लोगों के वास्ते सर्विसिज जान उहदी चिंता करते हैं। ज़कारत फाउंडेशन तुसीं देखिया होगा, उन्होंने अपने मुस्लिम लोगों के वास्ते चिंता की। इसे तरह एक बिहार की फाउंडेशन आ, वह बिहार के लोगों के वास्ते चिंता करती है। होर भी बहुत सारी संस्थावां ने जिहड़ी अपने अपने लोगों की चिंता करदियां ने। जैन फाउंडेशन है एक, और इसे लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने फैसला किया कि साडा भी सिख बच्चे IAS IPS बनन, उहदे लई असीं उपराला करिए। पहला मैं धन्नवाद करना चाहुंदा डॉक्टर NS कलसी जी का, जिन्होंने सानूं इहदे अंदर बहुत सहयोग दिता और गांह भी अपनी सुझाव और सर्विसिज जिहड़ियां ने एडवाइजर के तौर पर वह सानूं इस वास्ते दिंदे रहणगे, क्योंकि वह बहुत मुशक्कत करके सर्विसिज अंदर पहुंचे और पंजाब का नाम रोशन किया और अडिशनल चीफ सैकटरी पंजाब चो रिटायर हुए। इसे तरह लैफ्टिनेंट जनरल
सरदार गुरमीत सिंह जी जिहड़े एयर वाइस मार्शल रिटायर हुए ने ओह भी और सरदार गुरदर्शन सिंह जी ओह भी सीनियर सर्विसिज चो रिटायर हुए IAS ओह भी। सो मैं सब तो पहला उन्हां बच्चों वास्ते इस संबोधन कर रहा यह वीडियो पा रहा और मैं उम्मीद करना कि तुसी इस वीडियो नूं शेयर करोगे ताकि लोड़वंद लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। साडा परपस की है और असी करन की जा रहे हैं, असी बच्चे IAS IPS बनन IFS बनन IRS बनन सिविल सर्विस अंदर जाण उहदे लई एक नवां तरीका अडोप्ट किया है। असी उन्हां बच्चों की 85% फंडिंग करांगे, 85% फंडिंग दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करूगी और इहदे अंदर उस बच्चे का रहना सहना दिल्ली के अंदर और जिस इंस्टीट्यूट च वह कोचिंग लेना चाहता। असी यह नहीं कहा कि असी कोचिंग देंगे, असी कोचिंग वास्ते बंदे हायर करियो एहो जे ना होण, उन्हां दी काबिलियत ना होण, साडा बच्चा रह जाए, गलत है। जिहड़े एग्जिस्टिंग बेस्ट कोचिंग कॉलेजेस ने इंस्टीट्यूट्स ने जिन्हां दे अंदर रिजल्ट ने 100% दिल्ली के अंदर असी उन्हां ते उन्हां नूं बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। फीस दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उन्हां बच्चों की देगी जिहड़े बच्चे इस काबिल ने कि वह बन सकते हैं, भावें वह बच्चों ने प्रीलिम्स पास किए हो या उन्होंने प्रीलिम्स भी अपलाई करना हो। जिन्होंने पास किए हो जिस भी इंस्टीट्यूट चो अगे जाना चाहे जिथे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उत्थे भी असी उन्होंने फंडिंग देखा और 85% कोई जरूरी नहीं, जो किसी 100% की भी लोड़ होगी वह भी असी देंगे। साडा परपस यह है कि दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का यह टीचा है कि आने वाले पहले साल च ही असी सर्विसिज अंदर अपने बच्चों भेजीए और हर साल यह यकीनी बनाईए कि दिल्ली के अंदर देश तो साढ़े सिख बच्चे जड़े ने वह सर्विसिज अंदर आन। असं टीचा लैके चलते पे हाँ कि भी बच्चे जड़े ने घटो घट दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कॉन्ट्रीब्यूट करके हर साल सर्विसिज अंदर लैके आए और यह कोई असंभव नहीं, कोई मुश्किल नहीं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने जदों भी कोई काम का टीचा शुरू किया है उसनों सिरे चढ़ाया क्योंकि साढ़े ते रहमत बख्शिश गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की है, साडा दफ्तर भी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की उस पवित्र स्थान गुरुद्वारा कारतवी साहब विखे। इहदे वास्ते इसकी कामयाबी जिहड़ी आ वह उदों रंग दिखाउण लगी जदों इहदा आइडिया जिसका असीं नाम रख्या इस इंस्टीट्यूट का इस अकैडमी का गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसिज अकैडमी, गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसिज अकैडमी। और मैनूं इस गल की खुशी आ कि इहदी कामयाबी इत्थों दिखी कि जदों इह आइडिया असीं डिस्कशन की मीटिंग की सरदार विक्रमजीत सिंह साहनी जिहड़े कि हमेशा ही कौम का दर्द रखते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सेवा वास्ते, उन्होंने इमीजिएटली कहा कि इहदे बच्चों का खर्चा मैं अडोप्ट करूंगा और 21 लाख रुपया उन्होंने उस परपज वास्ते इमीजिएटली दिता। सो मैं उन्होंने सारे बच्चों कहना चाहना जिन्होंने मन च यह भावना है कि वह बन सकते हैं, उन्होंने मां बाप नूं भी कहना चाहना कि जिन्होंने लगता कि साडा बच्चा बन सकता है लेकिन वह फाइनैशियली ना होने करके उन्होंने मजबूरी आ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी देश कितने भी बच्चा रहिंदा होवे उसनों अडोप्ट करूगी, उसका रहना उसका सहना उसका खर्चा सारा असं अडोप्ट करांगे। 85% पैसे जड़े आ वह सारे दिल्ली कमेटी देगी, मैं फिर कहां जिन्होंने लोड़ हो इस तो ज्यादा भी देंगे। साडा एक ही टीचा है दस्तार दे वास्ते कुछ भी करना है और दस्तार दा अफसर जो सर्विसिज बैठा होगा वह दस्तार बाकी लोगों की चिंता करूगा और यही नहीं इस तो गांव जिन्हिया सर्विसिज ने चाहे इंस्पैक्टर आ चाहे इनकम टैक्स की सर्विसिज ने छोट जिन्हिया भी ने उन्होंने वास्ते असं अलग तो 3 इंस्टीट्यूट शुरू कर जा रहे हैं अपने कॉलेज अंदर, पर सिविल सर्विसिज वास्ते यह एक असं जिहड़ा उपराला किया। मैं उम्मीद आ कि इस साल साडा टीचा असं यह नहीं सोच रहे कि करा करा, इस साल असं उस लैके आना उहदे वास्ते सानू कि मेहनत करनी पवे, खर्च करना पवे, बेस्ट इंस्टीट्यूट हायर करने पैण, उन्हां तों भी लिया के असीं नूं कामयाब करना। सो मैं उम्मीद करदा तुसीं वीडियो नूं शेयर करोगे ताकि जरूरतमंद बच्चे सानूं अप्रोच कर सकन। अप्रोच करन वास्ते सानूं पहुंच करन वास्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दी वैबसाइट ते जाओ, उत्थे इहदे वास्ते एक मेल आईडी भी तैयार कीती गई आ जिहदा नाम आ civilservices@dhgmc.in civilservices@dhgmc.in और ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ IAS IPS IFS ਜਾਂ IRS ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਾਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।